हुए हैं, प्लीज आगे आ जाइए। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम पहुंचे हैं पीयूष हाइट्स में। पिछले कई सालों से लगातार मारपीट की खबरें, लगातार झगड़ों की खबरें यहाँ इस सोसाइटी से आती रही हैं और आज यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। कल भी लगातार फोन आ रहे थे, बुलाया जा रहा था, तो हम लोग पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो चल रहा है सोसाइटी में ये कोई ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है। सर आपसे बात शुरू करेंगे, आप सबसे जी नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो सर वो कैमरे का ना एंगल नहीं बनता है ऊपर नीचे में ना। सर मेरा नाम राकेश गुलाटी है जी सर। तो हम यहाँ पर 6 साल से रहते हैं यहाँ पर। शुरू शुरू में जब हम आए थे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स थी, मतलब बिल्डर भाग गया, पैसे ले गया, सब कुछ ले गया, क्लब के लिए जो बनाना था वो भी पैसे ले गया, गैस पाइपलाइन और काफी ले गया, पर फिर भी हमारी सोसाइटी ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी है। क्योंकि पहले एक बार बिजली के पैसे लेके भाग गया, तभी उसको इन्होंने बड़ी हिम्मत करके सब लोगों ने पैसे कट के उसको बनाया। अब इस समय जो कट शॉर्ट कर रहा हूँ इस बात को, इस समय जो बिग प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे इधर कंस्ट्रक्शन ये सब जो काम चल रहा है पेंटिंग वेंटिंग का, जो उसको बिल्डिंग को उसको अच्छी शक्ल देने के लिए करने के लिए, तो इस समय कुछ लोग हैं जो इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनको पैसे देने पड़ते हैं, वो कहते हैं ये सब सोसाइटी कराए या ये इलीगल है, मतलब दिस इज द वे दे से टेकले, तो उसी को लेकर वो इन्होंने कंप्लेंट्स कर दी। मारपीट होती है, बार बार मारपीट होती है, मारपीट वो दो तीन किस्से हुए हैं ऐसे करके जो इन लोगों ने बाहर हुए हैं। बेसिकली अंदर जो कुछ भी हो रहा है आप कोर्ट में लड़ रहे हो उसमें पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जब मारपीट हो जाती है तो पब्लिक देखती है कि वहां सिर फूट गए, वहां टूट गए, वहां डंडों के निशान है शरीर पर, इसलिए वो तमाशा बनता है। नहीं वो ऐसा कोई नहीं, आप हो सकता है उनका अपना, मतलब मेरा, मैं तो बाहर से आया हूँ सर जी। जी क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम राजेश। जी राजेश सर, अभी जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है वो एक तीसरी जगह पे कहीं पे हुआ, इमीडिएटली उन्होंने RW का नाम ले दिया और एक पर्टिकुलर आदमी का नाम ले दिया। किस बेसिस पे लिया ये हम लोग नहीं समझ पाए कि एक आदमी 7 साल से हमारे साथ रह रहा है। सर इन सोसाइटीज पर मैं लगातार शहर की सोसाइटीज को देख रहा हूँ और पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, इन सोसाइटीज में जो पैसा, पूरी दुनिया में जो लड़ाई है ना बड़ी लड़ाई, वो पैसा कमाने की नहीं है, पैसा खर्च करने की है। मोदी जी भी जो लड़ रहे हैं, राहुल जी भी जो लड़ रहे हैं, वो पैसा खर्च करने के लिए लड़ रहे हैं कि मैं बताऊंगा देश का पैसा कैसे खर्च होगा। तो इन सोसाइटीज में भी जो लड़ाई है ना वो पैसा कमाने की नहीं है, पैसा खर्च करने की है, मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। ये छोटे छोटे टापू बन गए, ये छोटे छोटे गांव हो गए, सामंत हो गए यहाँ, ये पूरी सोसाइटीज में देख रहा हूँ। वो ओमैक्स हाइट्स में विश्वकर्मा जी थे, वो नोएडा में जाके पीटा गया था, उन्हें मुकदमा दर्ज हुआ, 307 का पर्चा दर्ज हुआ, ध्यान है आपको। दुग्गल जी पिटे, कई कई बार पिटे वो तो, ठीक है। ये सोसाइटीज में आम टेंडेंसी हो गई, ये हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस सोसाइटी में इतनी अशांति क्यों है। सर अशांति सिर्फ 10-15 लोगों के कारण है, क्योंकि उन्होंने उनका एजेंडा अपने पैसा नहीं देना और सोसाइटी में इनको किसी तरह से डिसलॉज करना है। हम लोग सब खुश है, सोसाइटी हमने जो प्रॉब्लम्स हमने डे वन पे देखी थी और आज जो डे जो चल रहा है इतने अच्छे तरीके से चल रहा है। हो सकता कुछ गलतियां भी हुई, मैंने ये नहीं कहा। 15 लोग हैं तो उनके घर के बाहर पुताई मत करवाओ, छुड़वा दो, देख जाए लोगों को कि ये वो सज्जन है जो कोऑपरेट नहीं करते हैं। जिस दिन उनके घर, जिस दिन उनका इंसिडेंट हुआ था, RWA के लोग सबसे पहले उठ के गए थे FIR करने की, हमारे एक रेसिडेंट को है चोट लगी है, हम इसको कंडेम करते हैं और हमारी एक FIR लिखी जाए, ऐसे पीटा गया रास्ते में किसी भी कारण कोई भी हो। RW की इंटेंशन ठीक है, आप सीधा एक आदमी का ब्लेम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, विद इन 5 मिनट्स आप सब जगह फैला देते हो कि इस आदमी ने मेरे को मरवाया, इस आदमी ने, नहीं सर वो गलत है। आप बिल्कुल करिए, जरूर करिए, सबूत मिले, हम लोग इनके साथ नहीं है। अगर वो उठा गई थी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो पूरा बना हुआ है जो उस जैसी शुरुआत हुई थी और जैसे कुछ हो, किसी एक आदमी को मैं आपको गाली देता रहूं, आप कभी तो रिटेलिएट करोगे, आप में एक हाथ छोड़ दूं, आप रिटेलिएट तो करोगे ना। गिरा गिरा के मारा सर, वो तो वीडियो में, वो बाद में, वो बड़ा है, बहुत बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, पर शुरुआत कैसे होगी, उनके पास डंडे एकदम कैसे आ गए और 10 आदमी वो इकट्ठे कैसे हो गए। बाउंसर देख रहा था, वो कह रहे थे कि बाउंसर्स को ले जाते हैं, इसलिए थे कि यहाँ पे बिल्डर के आदमी थे, वो आके हम तंग करते थे, बॉर्डर हमारे अपने आदमियों के लिए नहीं किए थे, बेसमेंट में ले जाके मारते हैं बाउंसर। देखिए सर जी, क्या शुभ नाम सर? मेरा नाम सतीश अमिताभ है और मैं यहाँ पे पीयूष हाइट में, और 2015 में जब बिल्डर ने पोजीशन दिया था तो 2015 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मैं यहीं एंड टावर में रहता हूँ।
पिछले जब जो इस तरफ जो चीजें हो रही हैं, आपको जैसे कि पता है बहुत ही सारे घटनाएं हुई हैं जो आपको खुद आपको अवगत हैं आप इनसे, लेकिन सच्चाई इसके पीछे क्या है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। वही जानने के लिए अमिताभ जी हम आ जाए। मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। जब हमने 2015 में लिया था उस वक्त में सारा कुछ बिल्डर के हाथ में था, सारा चीज बिल्डर्स ही चला रहे थे, वैसा ही चीजें हो रही थी। और यकीन मानिए ना बिजली का पता था, ना कूड़ा उठता था, यहां तक कि ये सिचुएशंस आ गया था कि यहां पे दिवाली की रोज से ही मैं आपको बता रहा हूं सारे, क्योंकि बिल्डर ने जो हाउसकीपिंग वाले स्टाफ से किसी को पैसा वैसा कुछ नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, और उन लोगों ने जबरन पूरा कूड़ा जो है वो पूरा गेट के ऊपर में सारा कूड़ा बिखेर के रखा था। और मतलब ये सिचुएशन था जब ऑफिस से आते थे, देखिए आज एक रेसिडेंट, एक नौकरी पेशा आदमी हूं, बीवी बच्चे के साथ में रहता हूं, एक ही इच्छा होती है कि सपना एक जिंदगी, सुकून की जिंदगी चाहते हैं। लोग फ्लैट क्यों लेते हैं, सोसाइटी में फ्लैट क्यों लेते हैं, इसी कारण से लेते हैं ना कि भाई एक सुकून की जिंदगी मिले, बीवी बच्चों को एक जो सिक्योरिटी का एनवायरमेंट, सुरक्षित वातावरण मिले, सुरक्षित एनवायरमेंट जो है वो मिलना चाहिए, यही चाहते हैं, और इसी कारण से हमने भी लिया था। लेकिन यहां पे आने के बाद में चीजें इस कदर पलटी हैं कि मैं आपको इसका बयान नहीं कर सकता। उस वक्त में जब ऑफिस से आता था, जैसे मेरे गुड़गांव में ऑफिस है, मैं वहां से जब आता था, आने के बाद में देखता हूं पूरा ब्लैकआउट, पूरी सोसाइटी ब्लैकआउट है। मेरा 10वें महले पे मेरा घर है। अब आप ये सोचिए कि ऑफिस से आने के बाद में, थके हारे आने के बाद में पानी कैसे आएगा, बिजली नहीं तो मोटर नहीं, मोटर नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं, बहुत ही दयनीय स्थिति जो है इस सोसाइटी की उस समय बनी हुई थी। मैं थैंक करूंगा यहां के रेसिडेंट्स का, जिन लोगों ने मिलकर आगे आए और आगे आके एक एक छोटी छोटी दिक्कतों से लड़ने का कोशिश किया, प्रयास किया, और 2018 में RWA ने यहां का कारोबार जो है वो संभाला अप्रैल 2018 में। और ये 2018 में अप्रैल में जब कार्यभार संभाला, उस वक्त में जो बिल्डर्स हैं वो रिटर्न एग्रीमेंट्स वगैरह भी हुआ था कि नहीं, हाँ ठीक है, ये लिख के दिया। STP का भी ऑर्डर था कि हाँ आपको लेना है 2018 में, अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा डिटेल्स वगैरह। कि तब उसके बाद में RWA ने ये चीज को, ये बीड़ा उठाया। अब आप ये सोचिए ना, कोई फंड है, कुछ भी नहीं है, सोसाइटी इतनी बड़ी, और यहाँ पे उस वक्त में कितने रेसिडेंट थे, हार्डली 250-300 फैमिली होंगे लोग रह रहे हैं यहाँ आज के डेट में, नहीं भी तो 850 के आसपास फैमिलीज जो हैं वो रह रहे होंगे यहाँ पे। अमिताभ जी एक और कैसे रह रहे जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शिशिर मिश्रा है। मिश्रा जी, अभी एक बिजली के रेट को लेकर लोग चिंता जताते हैं कि यहाँ महंगी बिजली बेची जा रही है। सर मैं वही कह रहा हूँ, आपने कुछ ऑप्शन सुने हैं, बट मेरा ये जानना तो है कि मिश्रा जी आपको सुनने आए हैं। अब आप फैक्ट्स सुनिए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का इस समय जो रहा है वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही चल रहा है। DG का रेट रिवाइज होता है बेस्ड ऑन डीजल प्राइसेस और कंजम्पशन। पिछले साल हम लोगों के यहाँ काफी बार लाइट जा रही थी, जिसका इश्यू ये था कि हमारी लाइन्स में और भी सोसाइटी और एक आगे विलेज का भी इंक्लूड कर दिया गया था, और वो मैं बोलूंगा कि RWA रिप्रेजेंटेटिव ने उसे लड़ेंगे। ये मेहनत है सोसाइटी के रेसिडेंट्स की। यहाँ पे जो बंदे रेनोवेशन टीम में आके, जिन्होंने दिन रात एक लगा के मेहनत करी, सारे फीड्स लिए, सारी सर्वे किए और डॉक्यूमेंट्स गिरा, उनको जाके कुछ 10-15 लोग ये कहते हैं अपना नाम हटा लो, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। जो 2 बार भी रेनोवेशन के लिए टीम बनी थी उसमें भी था, और उन लोगों के पास जाके ये बोला गया था कि आप आइए इस टीम में, इस टीम से जुड़िए, इस टीम को आगे लेके चलिए, रेनोवेशन कराइए, चाहे जैसे आप अपनी मर्जी से करना। उनका शब्द यही था कि जब हम पावर में आएंगे तब कराएंगे। पावर सर, और राजीव राहुल गांधी के बीच की भी यही लड़ाई है। मैं वही बता रहा हूँ, हमारी सोसाइटी में देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये है स्टेटस जो आपका 18-12 के अनुसार से कितने लोगों ने पैसा दिया है और कितना आया है, ये सारा हिसाब किताब यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ के अनुसार से अगर आप देखेंगे तो सब में देखिए, यहाँ पे
मैं ओमेक साइट्स में गया। एक मिनट सर, मैं जोड़ूंगा सर, एक मिनट। अरे सर, सर सुन तो लीजिए सर। सर पत्रकार तो नारद मुनि की तरह है, जगह जगह जाता है, हर देवता को नमस्ते करता है और अपना चला जाता है। आप मेरी समझिए, हम वहाँ गए, वहाँ देखा, वहाँ 50 लाख के स्कैफोल्डिंग लगा दिए उन्होंने, किराया दे दिया 50 लाख रुपया। अब आदमी कहे, यार 50 लाख का किराया दे दिया आपने। बोले जी एक टॉवर में, हाँ जी जी। अब वो बोले जी 50 किराया है अपना, लग रहा है यहाँ लगा, फिर यहाँ से हटा, फिर दूसरे पे लगा, फिर दूसरे से हटा, तीसरे पे लगा, तीसरे। एग्जैक्टली लोगों ने यही कहा कि आप 10 लाख रुपए का खरीद लेते और जब बेचते, जब इसे वापस बेचते तो ये 5 लाख रुपए और दे जाता आपको, मतलब आपका 5 लाख रुपए। सही आपका बात है। और यही चीज के लेके है, आप समझिए। और उनके पास इन सब कलेश, मेरी बात समझिए, मैं देखता हूँ यहाँ जब आंदोलन होता है, यहाँ जब आंदोलन होता है तो उसके लिए संडे का इंतजार करते हैं कि वीक में छुट्टी, मतलब सोमवार को आपकी पानी की पाइपलाइन फूट जाए तो आप इंतजार करते हैं कि सैटरडे या संडे में देखेंगे छुट्टी होगी, तब कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। बात बोला आपने सर, फर्स्ट रेसिडेंट टू कम इन दिस सोसाइटी, और अगर RW ने टेक ओवर नहीं किया रहता तो शायद इतनी क्राउड भी नहीं रहती, ये खंडहर बन गया रहता। अभी खंडहर बन गया था, बिल्कुल। अभी सौरभ जी, इसकी रिनोवेशन नहीं होती। आज ये, आज से 1.5 साल पहले ये 40-45 लाख का भी फ्लैट नहीं बिकता था, आज इसकी 60-65 लाख रुपए वैल्यू बढ़ गई। अच्छा लग रहा है, बढ़िया बनी है। और आप बताएं, क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? सर मेरा नाम शशि सहगल है जी। मैं सेक्टर 22 से, पर सहारा मुझे कहाँ मिला, RW वालों ने दिया। मैं कि मैंने मेंटेनेंस के पैसे भी दे दिए, 7.5 लाख कैश और भी दिया आई हूँ मैं, तो भी मुझे कुछ नहीं मिला। जब मैं इस मकान इसमें आई तो मुझे अच्छा लगा, बिजली पानी लाइट सब कुछ थी। अच्छा, आनंद आ रहा है यहाँ रहकर? आनंद क्यों नहीं, आनंद मैं आनंद हूँ, आनंद आ रहा है मेरी खास आनंद है। क्या नाम आपका? मेरी बेटी पैरालाइज है, ट्यूमर हो गया था, कैंसर हो गया, 13 साल से बेड में पड़ी है, पर अभी तक रजिस्ट्री का पता नहीं, रजिस्ट्री वाले कहाँ से कराएं, कैसे कराएं, कहाँ निकल कराएं। जब भी जाओ 20 लाख दे दो, 20 लाख तो भाई मेरी खून की एक बूंद की भी कीमत नहीं है। मैं तो कहती हूँ मुझे गिरवी रख लो, मुझे मेरी मकान की रजिस्ट्री करा दो। क्या नाम आपका? मैं राजश्री ठाकुर हूँ, पीयूष हाइट की ही निवासी हूँ। देखो ये जितना भी पीयूष हाइट का जितना भी अच्छा हुआ है, वो सब कुछ हम सबके साथ और सहकार से हुआ है, मिलके हुआ है। अब जब ये हम जब रिनोवेशन का ये जो काम शुरू हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि बहुत अच्छे से हो जाए, कहीं पे भी किसी तरीके की रुकावट ना आए। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि 850 लोगों में से 750 लोगों ने पैसे दे दिए हैं, कुछ एक लोग हैं जिनके बाकी हैं। मैं तो सुझाव दिया था उनकी पुताई मत करवाते, उनका प्लास्टर। सुनिए, ये जो आप सुझाव दे रहे हो ना, अब मुझे ये लगता है एज अ रेसिडेंट कि ये करना ही चाहिए। अगर ये लोग अगर नहीं दे रहे हैं तो इन जैसों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना, मुझे लगता है कि यही बंद करेंगे हम, तो सर्विस बंद करेंगे। बिजली मत काटना सर, सर बिजली किसी का नहीं कटा है सर, सर यहाँ बिजली किसी का, बिजली काट देते हैं। एक मैं, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, बिजली यहाँ किसी की नहीं कटी है। अगर हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, एडिशनल पैसा भी कुछ ज्यादा लेते हैं ऐसा कल कह रहे हैं सर, कोई ज्यादा नहीं। सरकार से कितना पैसा? 25 पैसे पर यूनिट है, बाकी सोसाइटी में 7.5-8 रुपए आपको चार्ज कर रहे हैं, बट यहाँ पे 5.25 रुपीज है। अब ऐप है, अब ऐप पे जाके देख सकते हैं आपकी कंजम्पशन कितनी है। मीटर लगाए थे उस पर लोगों ने विवाद जताया, इसलिए मारपीट हो गई, फिर फूट गया। पुराने मीटर का सर क्या था कि आपके पास जो मास्टर डिवाइस है आप ले आइए बाहर से, रिचार्ज करा लीजिए। बिजली चली जाती है किसी कारण से कि मीटर को हमने रिचार्ज करना हम भूल गए, रात को 12 बजे 5 मिनट भी नहीं लगता, 2 मिनट में लाइट जो है वो वापस आ जाती है। हमने अरे यार लाइट में तो रिचार्ज करना भर गया, ये संभव हो सका नए मीटर की वजह से। अब सर एक बात बताइए, कोई भी चीज, कोई भी सुविधा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो आपको खर्च करना पड़ेगा। बात करेंगे। एक मिनट जी, क्या नाम आपका? RK भंडारी मेरा नाम है, मैं 1 साल पहले आया हूँ यहाँ पर, और अभी दाम बढ़ गए वो तो अलग बात है, बट जो लोग अपोजिशन में हैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ, व्हाई डोंट यू बिकम ए केजरीवाल? आप केजरीवाल क्यों नहीं बन जाते कि जो कहते हैं कि BJP गलत है, कांग्रेस गलत है, सब गलत है, तो एक प्रक्रिया है ना उसमें आ जाइए सारा। आप चुनाव होते हैं यहाँ, चुनाव होते हैं हर बार ये हारते हो। जो AK सिंह जी हैं पहले नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट थे, पहले ही सोसाइटी के, जब 2016 में हम लोग आए थे यहाँ पे, नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड,
उन्होंने जब सोसाइटी में जब बिल्डर का राज था, उन्होंने कहा बिल्डर को पैसे मत दो, हमें ये सुविधाएं नहीं मिल रही है। जब आरडब्ल्यूए टेक ओवर ले लेगी तो सबसे पहले जितने भी बकाया पैसे हम आरडब्ल्यूए को सबसे पहले मैं दूंगा। आरडब्ल्यूए आ गई, उसके बाद मुकर गए, मैं क्यों पैसे दूं? हैंड ओवर हो गया है, बिल्डर से हैंड ओवर ले लिया, हमने टेक ओवर किया। बिल्डर को पैसा दे, बिल्डर तो सर मर गया ना, बिल्डर तो है ही नहीं। हमने बिल्डर की लाइन आपको दिखा रहा हूँ, 2016 की आप देख रहे हो स्कूल की क्या कहानी थी, ठीक है, कितनी गंदगी फैली, कितनी कंप्लेंट्स हमने डाली हुई है। ये FIR हर जगह पे बिल्डर के साथ मीटिंग होती थी, हर पॉइंट पे एग्री करते थे वो, लेकिन किसी चीज पे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता था। थक हार के जब ऐसी नौबत आएगी कि बिजली कटने वाली होगी, जब 52 लाख का बिल बिल्डर ने पैसे हमसे ले लिए, जमा नहीं कराए, बिजली हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा कि या तो पैसे जमा करो नहीं तो आपकी बिजली कटेगी, फिर सभी जो भी रह रहे थे हमने 15,000 रुपये दिए और बिजली अपनी करवाई, क्योंकि बिल्डर तो था नहीं, हमने बालकनियों में रातें कोई था रहना आप ही लोग जी, हमें बालकनी में हमने रातें गुजारी है बच्चों को लेके, गर्मियों में रात को लाइटें नहीं होती थी, हम लोग बालकनी में बैठे सोते थे। वो स्ट्रगल हमने टर्म है, इस आरडब्ल्यू का तीसरा टर्म है, और लोगों ने इसे पसंद क्यों वजह से जिस तरह से आरडब्ल्यू में नहीं नहीं सर मैं रेसिडेंट सर हम कोई आरडब्ल्यू में नहीं है, हम सिर्फ सपोर्टर है कि भाई उनकी वजह से कि वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, इसीलिए हम उनके साथ में हैं और आगे भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जब वो पहले इलेक्शन में वो क्या नाम आपका पालकनो, ठीक है, जिन लोगों को मैं मान सकता हूँ कि रिकॉर्डिंग हुई थी पूरी, और सुनिए, जिस समय काउंटिंग हो रही थी उस समय हम दोनों टीमों से या एक इंडिविजुअल भी कैंडिडेट थे उनसे भी पूछा गया था कि आप अपने समर्थकों में से दो दो नाम दे दीजिए जो कि काउंटिंग में इंक्लूड करे जाएंगे, सुन लीजिए, और वो सारे बंदे आए थे, उनके सामने सारे बैलेट बॉक्स खोले गए थे, सारे दिखाए गए थे किस पे मोहर लगी, किसी एक में भी अगर बीच में करा गया तो उसे इनवैलिड करार दिया गया था। ये सारा होने के बाद उनके हस्ताक्षर लिए गए थे, ये उनके प्राइम सपोर्टर्स थे दोनों टीमों के प्राइम सपोर्टर्स, ये मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी इंडिविजुअल को चुना नहीं, प्राइम सपोर्टर्स थे उनसे और नॉट दे अग्रीड, दे ऑल अग्रीड, रिकॉर्डिंग पे है, सिग्नेचर पे है। उसके बावजूद जब ये सबमिट हुआ, 4 दिन बाद जाके DIC में पिटीशन डालते हैं या फिर कहीं और डालते हैं कि इलेक्शन गलत तरीके से हुए। अब आप खुद बताइए, हमारा जो लोग है ना, इन्होंने इतनी मतलब गदर सी मचा रखी है कि अगर कुमार है और मैं एक और कश्मीर से रहने वाला हूँ, कश्मीर में सब कुछ लूट गया था, मकान बाग जमीन सब कुछ, यहाँ एक ड्रीम लैंड मुझे मिला तो यहाँ ये बनाया, बहुत मुश्किल से बनाया। जिस वक्त ये मकान बना, अब मैं 800 आदमी के साथ रहूं कि 4 आदमी के साथ रहूं, 4 आदमी कहते नहीं आप अपने मकान को संभालो नहीं, 800 लोग मेरे मकान। इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि जब हम आएंगे तो रेनोवेशन कराएंगे, अब ये रेनोवेशन तो जो जीत गई गवर्निंग बॉडी वो करवा रही है, उनका भी मैनिफेस्टो था वो करवा रही है, अब इनको ये चीज बड़ी खल रही है। स्कूल का इन्होंने बोला था स्कूल टूटने का, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये भी लिखा था, वो स्कूल भी आज की डेट में नहीं है जो इलीगल था स्कूल, आज इसकी जगह लैंडस्केपिंग का काम चल रहा है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, सिर्फ चल रहा है। हाँ जी हटा दिया, ये बड़ा पार्क है, ये देखिए पार्क है, यहाँ पे ग्रीन एरिया बना रहे हैं, ग्रीन एरिया दिखाना है, वो ग्रीन एरिया अब ग्रीन एरिया दिखाना है, पहले से ही ग्रीन एरिया था, इलीगली स्कूल बना था और कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया, बहुत टाइम के लिए कोर्ट ने केस चला, पूरा रेज कर दिया। तो सर रेनोवेशन को आप देखिए, रेनोवेशन के लिए क्योंकि अब इनको लग रहा है कि सोसाइटी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर कहीं 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 ना कहीं तो कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो चंद लोग होते हैं हमेशा लिंक बन रही है, इस तरफ वर्क जो होगा वो सारा कुछ मेंटेनेंस से हो रहा है, जो इतने बड़े टावर्स का आपको पहले आके देखना चाहिए था यहाँ पे टावर्स की हालत क्या है। अगर आप अभी भी देखना है तो वहाँ की तरफ टावर्स एक दो है, आप जाके देखिए, इतने मेंटेनेंस के पैसे से कभी भी ये काम नहीं हो सकता था। अब जब काम शुरू होता है तो अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि ये चीजें कुछ वो खुद आके करते हैं, जहां पे उन्हें नहीं समझ में आता भी अलग तरीके से एलिगेशंस लगाने का प्रोसेस है यहाँ पे। क्या नाम आपका? मैं स्कॉलनी तनेजा हूँ, मैंने ये घर अभी लिया था 2019 में, एक्चुअली मैं सचुक दर्शन ट्रस्ट से हूँ, तो नजदीक पड़ता है तो ये लिया हमने। गेट पे आके उसने जब कंडीशन देखी, कह तो नहीं नहीं आगे चल यार, ये तनेजा साहब ऐसी सोसाइटी में नहीं रह सकते। ही लिटरली वेंट अराउंड, उधर से मुझे वहां से फोन किया, कहाँ है आपकी सोसाइटी? मैंने बताया, कहते वहां तो हम खड़े थे, तो इतनी गंदी थी, हम तो रुक गए नहीं, मां रुके नहीं,
देन ही केम ऑल द वे फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद मैंने कमेटी बनाई और मैं ही कल्प्रिट हूँ जिसके कारण रिनोवेशन पे झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि रिनोवेशन मेरे कारण ही शुरू हुई। आपसे पहले भी झगड़े ही हो रहे थे सर? हो रहे थे, लेकिन शुरू नहीं फूट रहे थे, किसी का हाथ टूट रहा था, शुरू नहीं कोई। आप अपने मन में तनेजा जी, आप ये समझे कि ये झगड़े तो मैंने कहा आगे सुनिए, ये पाँच रुपए की बात होगी, 50,000 की होगी, 50 लाख की होगी। ये जो लड़ाई है बेसिकली, ये जो लड़ाई है ये खर्चे की पावर अपने हाथ में लेने की लड़ाई है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम और लूंगा, तो मैं बैठूंगा। आपने विश्वास किया, आरडब्ल्यूओ ने इतनी सपोर्ट करी, ब्लाइंड सपोर्ट, जो मैंने कहा उन्होंने सपोर्ट दी टोटली। मैं कह सकता हूँ फौजी अफसर हूँ, गलत भी नहीं बोलूंगा। तो पूरी सपोर्ट मिली, लोगों का सपोर्ट मिला, स्टेशन से भी नीचे लेके आए, कॉन्ट्रैक्टर फाइनल किया जो सही था, काम शुरू कर दिया। और ईएमआई पे हमने इसलिए बांधा कि एकदम लोड ना पड़े लोगों के ऊपर, अप्रोक्सीमेट अमाउंट दे दिया कि यार 35 के करीब आएगा, ऊपर नीचे हो सकता है जब काम शुरू करेंगे। जब काम शुरू किया, जब शुरू हो गया, आप देखिए, अब हमने कहा भी पैसे दो। और उस समय इलेक्शंस आ गए, आफ्टर जो ही काम शुरू हुआ उसके एक महीने बाद इलेक्शंस थे। तो मैंने जो अपोजिशन वाले थे, मैंने कहा देखो भाई, हर कोई चाहता है चेंज हो, बट वो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इनोवेशन। पूरे शहर ने नकार दिया है सर। आप सुनिए इधर जी, इसमें जो सिलेक्शन होता था, ये पहले से मैसेज सर्कुलेट होते थे कि भाई आपके टावर से एक रिप्रेजेंटेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम कहते थे वोटिंग का कोई भी माध्यम है, आप चाहो तो ग्रुप पे वोटिंग कर लो, चाहे तो नीचे एक शीट रखी हुई है सारे मेंबर्स के नाम के साथ, दे दो उस बंदे को जिसके मैक्सिमम वोट होंगे। लेकिन एक चीज और है कि बिल्डिंग में अगर 60 लोग रह रहे, 60 फ्लैट्स हैं, तो अगर 10 ने दिए हैं और उसमें से 8, 10 ने ही वोट दिए और उसमें से 8 एक बंदे को, तो वो 8 सेलेक्ट होएगा। ये नहीं कि मैं 60 के हिसाब से मेजोरिटी डिसाइड करूंगा, नहीं, जितनों ने वोट दिया उसके। बात तो नहीं कह रहा हूँ, मैं 3-4 सीनियर सिटीजन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लगे लड़े थे, उनके घर पे गए, हमने उनको ऑफर दिया कि आप ऐसा करिए, कमेटी आप बना लीजिए, रिनोवेशन आप काम दिखिए, केवल आप बिल साइन कीजिए, पास कीजिए और चेक जो आरडब्ल्यू इशू कर देगा, और उस पर मना कर दिया उन्होंने, बोल नहीं नहीं। तो फरीदाबाद आप समझें, हमने एक पक्ष को आपको सुनवाया था और आज दूसरे पक्ष, मतलब आप सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, वो सुनवाने के लिए